गोरखपुर की जीआरपी टीम को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। जीआरपी निरीक्षक उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से कछुआ तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके पास से 426 कछुओं को बरामद किया, जिसके संबंध में जीआरपी एडिशनल एसपी रचना मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए तस्कर रवि पुत्र गिरधारी ने बताया कि वह सुल्तानपुर से 50 रुपए प्रति पीस खरीदकर कछुआ को गोरखपुर लाया था और पूर्वांचल एक्सप्रेस से बेचने के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहा था, जहां 200 से 250 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेचता। उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ जारी है, बाकी कार्रवाई कर इसको जेल भेजा जाएगा और वन विभाग को कछुआ सौंपा गया। चेकिंग के दौरान जीआरपी इंस्पेक्टर उपेंद्र श्रीवास्तव, आरपीएफ इंस्पेक्टर राजेश सिन्हा सहित अन्य जीआरपी और आरपीएफ जवान उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी की एडिशनल एसपी रचना मिश्रा ने कहा, ऊपर चला भाई। इधर देखिए एक मिनट, एक मिनट रुकिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जाने के टाइम के दौरान जब भी हमारे अफसरों और कर्मचारियों द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म के पास तलाशी ली जा रही थी, अपनी रूटीन ड्यूटी के दौरान उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति कई बोरों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस में जाने की तैयारी कर रहा था। जब उसके सामान की तलाशी लेने पर तकरीबन 426 कछुए उसमें पाए गए, छोटे कछुए, और एक व्यक्ति उसके साथ मिला जिसने अपना नाम तो रवि बताया, सन ऑफ गिरिधारी, और हालांकि उसने आनाकानी की लेकिन बाद में पूछताछ करने पर उसने एक्सेप्ट किया कि इन कछुओं को वो लेकर पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में था, जहां पे उनको 200 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बेचता। बाकी शेष पूछताछ अभी हम जारी है और विधिक कार्रवाई करके इस व्यक्ति को जेल भेजेंगे और वन विभाग से बात कर ली गई है। इंस्पेक्टर गोरखपुर ये सारे कछुओं को वन विभाग को हैंडओवर करेंगे ताकि उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।